दिन आ चुके रिम्स के, जहां पर हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर बाहर आ चुके हैं। नीचे स्लीपर थोड़ा नीचे करिए, नीचे करिए, ठीक बोलिए। क्या बातें हुई लालू जी से, मुलाकात हुई, क्या बातें हुई लालू जी? देखिए, चूंकि राज्य में सरकार गठन का प्रक्रिया चल रहा है और इस विषय पर क्योंकि आरजेडी प्रमुख जो अभी यहां पर इलाजरत है और उनके ऊपर कुछ मुकदमे भी हैं और कुछ उनका क्योंकि पार्टी सुप्रीमो है, तो इस विषय पर थोड़ा एक शिष्टाचार मुलाकात भी था और उनका पार्टी का जो डायरेक्शन था उसकी आवश्यकता थी, उसके लिए हम उनसे मुलाकात की। यहाँ सर मंत्रिमंडल सर दिल्ली गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? अभी सरकार पूरी तरीके से स्थापित होगी, उसके बाद बाकी चीजों पर आगे बात की जाएगी। सरयू राज्य को भी अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें निकल कर सामने आ रही है, क्या सत्यता है कि नहीं, सच्चाई है इस खबर में? अभी वो सब कोई नहीं, सरकार स्थापित होने दीजिए, उसके बाद बाकी चीजें हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है। चलिए, में जो अनुसूचित जनजाति थाना में मामला दर्ज किया है, देखिए आज इस चुनाव में आपको मालूम होगा कि कुछ तलखी भरी बातें आ गई थी और चूंकि हम लोग कोई द्वेष भाव से राजनीतिक ये में काम नहीं करते हैं और इस राज को दिशा देने के लिए जितनी सत्ता पक्ष की भूमिका होगी उतनी ही बराबर की भूमिका हमारे विपक्षों की भी होगी और लड़ाई झगड़ा करके सत्ता में रह करके इस राज को दिशा नहीं दिया जा सकता है, मेरा ये मानना है। और हम लोग बिल्कुल एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहते हैं, इस राज को दिशा देना चाहते हैं और इसलिए हमने जो माननीय रघुवर दास जी के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ सना दर्ज कराया था, उस सना को मैंने वापस लेने का निर्णय लिया है। आज इस ये शपथ ग्रहण समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने समय मांगा था कि हमें समय दिया जाए, उनको भी हम इस समारोह में हिस्सा बनाना चाहते थे लेकिन उनका व्यस्तम कार्यक्रम की वजह से शायद वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोग इस राज को सभी लोगों के सहयोग के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। सभी हमारे राजनीतिक दल जितने भी हैं, पक्ष विपक्ष के, उन सभी लोगों को साथ। मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, क्या उप मुख्यमंत्री का वो बता दिया जाए? चले चले चले। तो हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर बाहर निकले और क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल आपको बता दें कि 29 को ताजपोशी है, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इसी सिलसिले में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे हेमंत सोरेन। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप बने रहें।